महेंद्र सिंह धोनी एक कप्तान, एक विकेट कीपर, भारतीय क्रिकेट का सबसे सफल फिनिशर, एक कप्तान जिसके नाम सभी आईसीसी ट्रॉफीज हैं। लेकिन आज हम उनकी कप्तानी नहीं, ना ही उनकी विकेट कीपिंग, बल्कि उनके द्वारा खेली गई महत्वपूर्ण पारियों की बात करेंगे। आइए देखें उनके द्वारा खेली गई सबसे महत्वपूर्ण 5 पारियां। इस लिस्ट में सबसे ऊपर उनके द्वारा खेली गई 183 रन की नाबाद पारी। इस मैच में भारत को 299 रन चेज करने थे, जिसमें भारत ने पहले ओवर में सचिन तेंदुलकर को खो दिया था। यह किसी विकेटकीपर द्वारा बनाया जाने वाला सबसे हाईएस्ट स्कोर है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आती है पाकिस्तान के खिलाफ खेली गई 148 रन की पारी। यह महेंद्र सिंह धोनी का पहला शतक था, जिसके लिए उनको मैन ऑफ द मैच से भी नवाजा गया था। तीसरे नंबर पर आती है टेस्ट मैच में खेली गई लॉर्ड्स के मैदान पर धोनी की 76 रन की नाबाद पारी, जिसके दम पर भारत ने यह टेस्ट मैच ड्रॉ करवाया और अंत में सीरीज भी जीती। चौथे नंबर पर आती है श्रीलंका के खिलाफ 2011 वर्ल्ड कप में खेली गई 91 रन की नाबाद पारी, जिसको कोई भी भारतीय फैन आज तक भुला नहीं पाया है। रवि शास्त्री की वो कमेंट्री, धोनी फिनिशेस थिंग ऑफ इन स्टाइल, अ मैग्निफिसेंट स्ट्राइक इनटू द क्राउड, इंडिया लिफ्ट्स द वर्ल्ड कप आफ्टर 28 इयर्स। पांचवें नंबर पर आती है धोनी के द्वारा खेली गई श्रीलंका के खिलाफ 43 रन की नाबाद पारी, जिसमें भारत को 6 गेंदों पर 15 रन की दरकरार थी और महेंद्र सिंह ने यह मैच छक्के के साथ फिनिश किया और भारत ट्राई सीरीज का विजेता भी बना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर ऐसी ही वीडियो आपको किसी और खिलाड़ी की देखनी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।